अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पे जी सहरी की तैयारियाँ हो रही हैं और आज सालन में बना है मुर्ग चने और फेनियाँ भी तैयार हो गई हैं। यहाँ पे बन रहे हैं पराठे और चाय बन रही है, इसके अंदर मैंने पत्ती डाली है और ये है जी सारी चीज़ें। पराठा भी आ गया है और अब हम करते हैं सहरी और आज हमारा होगा इंशाल्लाह 12th रोज़ा। मच 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 लेटर। तो जी मैं अभी सो के उठी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश भी हुई है और अब जो है ना वो हवा चल रही है और ये देखें पौधे भी इतने अच्छे उग रहे हैं और ये देखें जी पुदीने के पत्ते इतने बड़े बड़े हो गए थे, पहले ये छोटे छोटे से हैं, छोटे भी नज़र आ रहे हैं वहाँ से और ये बड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, इतने प्यारे लग रहे हैं। और अब हम आ गए हैं किचन में इफ्तारी की तैयारी करने के लिए और मैं बनाने लगी हूँ जी आज हाफ मून्स, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास चिकन था बॉयल एंड श्रेडेड और इसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और चाट मसाला ऐड किया है थोड़ा सा। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह इसके अंदर सेट हो जाएं और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी बाकी चीज़ें। अब जो है वो इसके अंदर जा रही है कॉर्न और साथ में कैबेज और फिर मैं इसके बाद ऐड करूँगी सॉसेस, सोया सॉस, चिली सॉस एंड मायो और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और ये फिलिंग हो जाएगी रेडी। यहाँ पे जी मैंने डो पहले से गूंद के रखी हुई थी और ये हो गई है तैयार, थोड़ी देर इसको रेस्ट दिया था और अब मैंने इसकी बॉल्स बनाई हैं। बॉल्स बनाने के बाद अब मैं इसको फ्लैट करूँगी और इसकी इसके बाद जो फिलिंग मैंने रेडी करके रखी हुई है वो ऐड करूँगी, उसके ऊपर चीज़ ऐड करूँगी और इसको जो है ना वो शेप दे दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह के बनते हैं। तो ये इसकी शेप रेडी हो गई है, इसी तरह मैंने सारे बना लिए हैं और अब इनको करते हैं बेक। तो जी ये है आज की हमारे इफ्तार, ये कीमे के पकोड़े हैं, ये मम्मा ने बनाए थे अभी और ये हैं जी बेक हो के आ गए हाफ मून्स एंड फ्रूट चाट और अभी ये है चना चाट, ये बाहर से आई है और साथ में फ्राइज हैं। तो ये है जी हमारी आज की इफ्तार और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे में नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।